हेलो फ्रेंड्स, राजस्थान जीके में आपका स्वागत है। कल हम लोगों ने बहुत सारे जीके क्विज पढ़े थे, आज का है नेक्स्ट क्विज। हिंगलू अहाड़ा के महल कहाँ पर है? चित्तौड़ में है। कहाँ पर है हिंगलू अहाड़ा के महल? चित्तौड़ में। जयमल की हवेली भी चित्तौड़ में मिलेगी आपको। चित्तौड़ के किले में लघु दुर्ग, नौलखा, बुर्ज या नौकोटा मकान का निर्माण करवाने वाला बनवीर था। चित्तौड़ के किले में मीरा मंदिर का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। शिवाजी की कुल देवी तुलजा भवानी का मंदिर भी चित्तौड़ दुर्ग में है। रैदास जी की छत्री भी आपको चित्तौड़ दुर्ग में ही मिलेगी। कुंभा द्वारा बनाया गया विजय स्तंभ का निर्माता कौन था या कौन है? जेता। चित्तौड़ को सबसे पहले राजधानी किसने बनाया था? जेत्र सिंह ने। चित्तौड़ किले का प्रवेश द्वार है पाडल पोल। बाघ सिंह की छतरी कहां पर मिलेगी आपको? पाडल पोल में। चित्तौड़ के पहले शाके के समय कौन शासक था? रतन सिंह, पद्मनी जी का पति। चित्तौड़ का पहला शाखा 303 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 303 में। 1303 ईस्वी में चित्तौड़ के किस किले पर आक्रमण किसने किया? 1303 ईस्वी में चित्तौड़ के किले पर आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी प्रथम ने किया। खिलजी ने चित्तौड़ का किला 1303 जीतकर किसे किलेदार बनाया? खिज्र खां, जो कि उसका आप भी जानते हैं क्या था, बेटा। उसने ही चित्तौड़ के किले का नाम खिजराबाद किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। राणा हम्मीर ने चित्तौड़ का किला किससे छीना था? बलवीर सोनगरा से। किससे छीना था? बलवीर सोनगरा से। पद्मावत की रचना जायसी के द्वारा की गई थी। चित्तौड़ का दूसरा शाखा 1534 ईस्वी में हुआ था, रानी कर्मावती ओके के नेतृत्व में। सांप्रदायिक सद्भाव का किला किस किले को कहा जाता है? जालौर के किले को सांप्रदायिक सद्भाव का किला कहा जाता है। मित्रों, नटनी की छतरी किस किले में है? जालौर दुर्ग में। वीरम देव की चौकी किस जिले में है? जालौर दुर्ग में। अलाई मस्जिद किस जिले में है? जालौर दुर्ग में। यानी कि आपको अब जालौर ही जालौर याद हो जाएगा, तो एक ही दुर्ग में मल्टीपल चीजें। और ये अधिकतर आरपीसी के जितने भी गवर्नमेंट के एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न। जालौर में कितने शाखे हुए? साहब एक शाखा हुआ है जालौर में। कितना हुआ? एक। अलाई मस्जिद किस किले में है? जालौर में है। वीरम देव की चौकी किस किले में है? जालौर में है। नटनी की छतरी कहाँ पर है? जालौर में है। सांप्रदायिक सद्भाव का किला कौन सा है? जालौर है। जयगढ़ के किले का निर्माण करवाया था मानसिंह ने, सवाई मानसिंह ने। और जयगढ़ का नाम किस राजा के नाम पर पड़ा था? मिर्जा राजा जयसिंह के नाम पर। और जय बाण तो बनाई थी सवाई जयसिंह ने। ये तीनों चीजें डिफरेंट है। जयगढ़ के किले का निर्माण तो कराया सवाई मानसिंह ने। जयगढ़ का नाम किस राजा के नाम पर है? मिर्जा राजा जयसिंह के नाम पर। और जय बाण, जयगढ़ में जो जय बाण किसने बनाई है? जय बाण एक तोप का नाम है, विश्व की सबसे बड़ी तोप है, सवाई जयसिंह द्वारा। सवाई जयसिंह के भाई चीमा जी को किस किले में बंद किया गया था? साहब जयगढ़ में। कौन से किले में? जयगढ़ में। जयपुर शहर का राजमुकुट किस किले को कहा जाता है? नाहरगढ़ के किले को जयपुर शहर का राजमुकुट कहा जाता है। राजस्थान का अंतिम बड़ा दुर्ग है नाहरगढ़, यानी कि लास्ट का सबसे बड़ा दुर्ग है ये नाहरगढ़, जो कि जयपुर का है। नाहरगढ़ किले का निर्माण किस वर्ष हुआ? 1734 ईस्वी में नाहरगढ़ के किले का निर्माण हुआ था। सुदर्शन गढ़ किस किले को कहा जाता है साहब? नाहरगढ़ को। कौन से किले को कहा जाता है सुदर्शन? नाहरगढ़ के किले को। जगत सिंह की प्रेमिका रसुखपुर को किस किले में बंद किया गया था? नाहरगढ़ में बंद किया था।
कौन से किले में? नाहरगढ़ में बंद किया गया था। किस में बंद किया गया था? नाहरगढ़ के किले में जगत सिंह की प्रेमिका को बंद किया गया था। आप लोगों को पता होगा इसी, ठीक है। अब करें माधो सिंह एक की नौ पासवानों के एक जैसे दो मंजिला महल किस किले में है? कि ये भी नाहरगढ़ में है साहब। किस में है? नाहरगढ़ में। यानी कि नाहरगढ़ का अब हमारा पैटर्न चल रहा है, तो हर चीज नाहरगढ़ में मिलेगी आपको। मानसिंह की रानी कनकावती ने अपने पुत्र की याद में जगत शिरोमणि का मंदिर बनवाया था, वो किस किले में है? आमेर के किले में है। कौन से किले में है? आमेर के किले में है। आमेर के किले में आपको ये मिलेगा साहब। फर्ग्यूसन ने किस किले के प्रवेश द्वार को विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रवेश द्वार बताया है? फर्ग्यूसन ने किस किले के प्रवेश द्वार को विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रवेश द्वार बताया? आमेर के किले को। कौन से किले को? आमेर के किले को सर्वश्रेष्ठ प्रवेश द्वार बताया गया है फर्ग्यूसन के द्वारा, ठीक है मित्रों। फिर आता है बिशप हेबर ने किस किले के बारे में कहा है कि जो मैंने केमलिन में देखा है और अल ब्रह्मा के बारे में सुना है उससे भी यहाँ के महल कई गुना सुंदर है? आमेर के किले के लिए कही गई ये बात। किसके लिए? आमेर के किले के लिए। यानी कि अब आमेर की बात कर रहे हैं मित्रों। सवाई जयसिंह को हराकर आमेर का नाम मोमिनाबाद किसने रखा था मित्रों? बहादुर शाह ने। बहादुर शाह ही एक ऐसा शख्स था जिसने सवाई जयसिंह को हराकर आमेर का नाम मोमिनाबाद रखा था। हिंदू मुस्लिम शैली का प्रथम दुर्ग कौन सा है? आमेर। कौन सा है मित्रों? आमेर का किला ही हिंदू मुस्लिम शैली का प्रथम दुर्ग है। 1308 में शिवाना पर किसने आक्रमण किया था? आप सबको पता ही है, अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में शिवाना पर आक्रमण किया था और वहां पर बहुत ही कत्लेआम मचाया था, ठीक है मित्रों। अब आता है शिवाना के प्रथम साके के समय सातल देव के साथ किसने विश्वासघात किया था? भाईला पवार। किसने किया था? भाईला पवार नाम के एक मंत्री ने सातल देव के साथ धोखा किया था और वो अलाउद्दीन खिलजी से जाके मिल गया था, ऐसा कहा जाता है। शिवाना दुर्ग जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने किले का किलेदार किसको बनाया? कमालुद्दीन गुर्ग को। किसको बनाया मित्रों? कमालुद्दीन गुर्ग को, ठीक है मित्रों। आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो में हम कल आपसे मिलेंगे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।